लेकिन जितना तेरे सीने के अंदर साइज होगा ना, उतनी वही का हक तू उठा सकता है। इसलिए लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, क्योंकि सीने में इसको उठाने के लिए वो जिगर और ताकत नहीं थी, वो जुर्रत नहीं थी, वो शुजात नहीं थी, वो बहादुरी नहीं थी, वो सच्चाई नहीं थी। Didn't have the guts to take this thing, और उन्हें बेच डाला अपने आप को। वो जो तुम हंडिया के अंदर पानी डाल के सोना पकाते हो ना, उसमें भी एक जादूगर आ जाता है। क्या मतलब है भाई, क्या बातें कर रहा है अल्लाह हमसे? हंडिया, वादी, पानी, झाग, सोना नीचे। आगे कहते अल्लाह कदालिका यज़रिबुल्लाहुल हक्का वल बातिल, हक बातिल हम ऐसे समझाते हैं। बंदा कहे अल्लाह ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर, वाटर, वेल है? आगे अल्लाह कहता है फाम जबद, याद रखना मेरे बंदो, ये जो जाग होती है ना जाग, फैज अबू जुफा, हवाएं उठा के इसको यहां फेंकती हैं, कभी वहां फेंकती। वो अम्मा मा यनफाउ नासा फयमकुसु फिल अर्द, जो वेट वाली खालिस प्योर सॉलिड आइटम होती है ना, वो बैठ जाती है, वो जमीन में भी अंदर रह जाती है और हंडिया में भी प्योर सोना नीचे बैठ जाता है। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, क्या सिंबल दे रहा है अल्लाह बंदे? इसकी तफसीर कराएंगे, आ निकल जाएगी आज, क्या इल्म है। अल्लाह कहता है ये वादी तेरा सीना है, तो जितना तंग तेरा सीना होगा उतने कम तू वही का पानी उतार सकता है अपने अंदर। जितना तू कंजूस होगा उतना ही कम इस वही को उठा सकता है तू अपने सीने में, और जितना जर्फ और वसी और चौड़ा तेरा सीना होगा, बड़ा जिगरा तेरा बड़ा होगा अगर, और जितनी बड़ी तू बहादुर औरत होगी, और जितना चाहे तू जाहिली है भी, तुझे हक का नहीं पता, लेकिन जितना तेरे सीने के अंदर साइज होगा ना, उतनी वही का हक तू उठा सकता है। इसलिए लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, क्योंकि सीने में इसको उठाने के लिए वो जिगर और ताकत नहीं थी, वो जुर्रत नहीं थी, वो शुजात नहीं थी, वो बहादुरी नहीं थी, वो सच्चाई नहीं थी। Didn't have the guts to take this thing, और उन्हें बेच डाला अपने आप को मगरब के इन फलसफों के ऊपर और मशरक के इन फलसफों के ऊपर और ये कंजर्वेटिज्म के ऊपर और इंपीरियलिज्म के पीछे और सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड ऑल दिस शिट इन द वर्ल्ड। और अल्लाह कहता है आग वो हंडिया भी तेरी छाती है और उसमें वो सोना तेरा दिल है, और सोने को उस इंकलाब तक पहुंचने के लिए जलना पड़ेगा, वो जलेगा नहीं तो वो कुंदन बन नहीं सकता पुत्र। इसलिए जब पानी वादी में आएगा वही सीने में आएगी, तो निफाक और शक शुबाह जो झाग है इंसान की जिंदगी का वो ऊपर आ जाएगा। इसलिए असल चीख मुनाफिक की तब निकलती है, असल चीख और असलियत काफिर की तब निकलती है, और असल चीख और असल बांग उसकी तब निकलती है जब वही उसके सामने आती है, तब पता चलता है कि ये मुसलमान, मुसलमान का भी तब पता चलता है जब वही उसके सामने आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है साहिब का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान के दावेदारों ईमान लाओ, ईमान नहीं अभी भी। तो अल्लाह कहता है कि जितना वो उठाता जाएगा उतनी झाग ऊपर आती जाएगी, उतना खालिस ठोस पोटेंशियल, उतना खालिस ठोस जिगरा और दिल अंदर से साफ होकर नीचे बैठ जाए। फिर अल्लाह एक और मुफस्सिर ने इसकी ये तफसीर की है कि ये झाग निफाक है और ईमान वो सोना और वो जमीन में रुकने वाला ह्यूमस है, ह्यूमस इंग्लिश में कहते हैं जिसके ऊपर ये सारे फल पौधे। ईमान जब आएगा निफाक झाग की तरह उड़ जाएगा।
ईमान के आगे मुनाफ़कत नहीं खड़ी हो सकती, टिक सकती।